पठानकोट विच लीची अते अंब की पैदावार से भी करोना महामारी का असर वेखण नूं मिल रहा है। जिक्रयोग है कि पिछले साल भी बिहार विच चमकी नां दी महामारी ने लीची नूं चपेट विच लिया सी, जिस कारण लोगों नूं निराशा का सामना करना पिया सी। अते इसका सीधा असर पठानकोट विच भी वेखण नूं मिलिया सी। लोगों ने दस्या कि पिछली बार लीची उत्ते चमकी दे असर दी अफवाह ने उन्हां दा नुकसान किया सी, अते हुण करोना कारण व्यापारी नुकसान दे डरों बाग खरीदण नूं तैयार नहीं हन। अते जेकर कोई बाग खरीद भी रहा है तो उसनू करफ्यू के चलते मजदूरों की घाट का सामना करना पै रहा है। उन्हें सरकार नू करफ्यू विच ढिल देने की मांग की ता जो मजदूर उन्हें तक पहुँच सकन अते होने वाले नुकसान तो बचा जा सके। मैं गुरविंदर सिंह, इस पिंड का वसनीक है, मेरा पिंड जमालपुर। तुसी तुहाडे मैं चैनल का पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद करदा। और अज जी समस्या जी सानू बहुत आ रही है बागबानों, ये जो लीची का बगीचा है ये एक या दो या पांच साल च नहीं तैयार होया, पंद्रह साल बाद आउटपुट आती है, वह भी पचास हज़ार तो शुरू हो के एक लख रुपये तक जाती है। और अज जी तीन साल हो गया मार्ग 2018 उदो तूफान बहुत आया सी, काफ़ी नुकसान होया साडे पिंड दे बागबानों का। 2019 पिछले साल चमकी ने सानू बहुत ज़्यादा लॉस और घाटा पाया, और इस बार करोना वायरस जो कि पूरे विश्व दे विच यह महामारी आई है, उहदे नाल साडा भी बहुत भारी नुकसान बागबानों का। मैं बेनती करदा सरकार को इहदे वास्ते कोई ना कोई नीति बनाई जाए, क्योंकि असी मंग करते हैं मुआवजे की भी मंग करते पिछले दो सालों तो ही और इस साल की भी, क्योंकि जेकर ये मार्केटिंग यदि ना हुई, आम जी मार्केटिंग अज सब्जियां दी हो रही है जां 2 रुपये किलो शिमला जां 4 रुपये किलो विक रही है, जे ये भी 20 रुपये किलो विकी जां 30 रुपये किलो विकी तो ये सारे बागबानों नूं बाग पट्टने पैने आ, क्योंकि 20 जां 30 रुपये दे विच ये जे ये विकेगी ये विचों कुछ भी हासिल नहीं होना। दिक्कत की आ रही है तेनूं, क्यों दिक्कत आ रही है इस बारी, की दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये जी विश्व दे विच महामारी आई है, करोना महामारी है, और इहदे नाल लेबर नहीं आ रही, बाहर तो ठेकेदार नहीं आ रहे, जिवें यूपी तो साढ़े इस पिंड दे विच, उत्तर प्रदेश तो साढ़े पिंड विच ठेकेदार आते हैं, लेबर आती है उत्थों की, क्योंकि यह जी लीची का तुसी बूटे देख रहे हो, ये बूटे उत्ते लीची तोड़नी आम आदमी के बस की गल नहीं। मांग की करते हो तुसी? असी सरकार को मांग करते, पहला तो सरकार को मुआवजे की मांग करते हैं, फिर ये वास्ते कोई ठोस नीति बनाई जाए बागबानों वास्ते, क्योंकि 15 साल बाद, मैं तुहानूं पहला हुण फिर रिपीट कर दिना, 15 साल बाद ये तो कोई इनकम ना आ सकती। अर्जन सिंह, पिंड जमालपुर नियर पठानकोट दे विच रहण वाला हाँ। हुण करोना दा जो भी वायरस चलिया इहदा सानू भारी नुकसान आ, क्योंकि साडे इस इलाके दे विच सारे बाग बगीचे, कुछ अंबां दे बगीचे ने, कुछ ज़्यादा लीची दे बगीचे ने, जिहड़े कि इस वेले तैयार होण विच काफ़ी जरूरत है इस लेबर दी, ते सानू जिहड़ी लेबर आ उह नहीं आ रही बिहार दे विचों जां यूपी दे विचों, जिन्हां ने देखभाल करनी है, ते जिन्ना चिर साडी लेबर ना आवेगी उन्ना चिर साडे बाग दी जिहड़ी आ देखभाल नहीं हो सकदी, जे देखभाल नहीं होएगी ते अगों जिहड़ी फसल दा नुकसान आ उह साडा बहुत भारी नुकसान आ, क्योंकि करोना ने सानू लेबर नहीं आउण दित्ती, साडी देखरेख नहीं होई, अगे इह फसल नूं वेच भी नहीं सकदे, ते साडे जिहड़े जिन्ने भी खर्चे कीते होए ने, असीं 50-50 साल दे 60-60 साल के बगीचे लाए हुए ने, इस वे मैं सानू इस तरह लगता कि जे इस तरह ही 2 साल पिछले सीजन के भी बड़ा नुकसान रहा, ऐतक भी बड़ा नुकसान रहा, तो हो सकता सानू बगीचे नू खत्म करना। पठानकोट तो कंवल रंधावा की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।